50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं, मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको उठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया।